चकते हटते बिंदिया। हेलो दोस्तों, दिस इज जस्ट फ्रॉम सेवेंजर्स हेयर एंड मेकअप अकेडमी मुंबई। और आज मेरे साथ में अगेन हमारी सपना मैडम, जो कि पुणे के हमारी हेयर फैकल्टी है, वो आए हुए हैं यहाँ पे। तो एक और क्वेश्चन के साथ में हमारे साथ वीडियो शेयर करेंगे। और आई होप कि हमारी सेवेंजर्स की फैमिली अच्छी हो, बहुत अच्छा कर रही हो और ज़िंदगी में बहुत बहुत तरक्की करेगी। आज एक और हेयर ऑनलाइन की क्लास के साथ में हमारा जो नया क्वेश्चन है, तो वो क्या है मैडम, जरा क्वेश्चन बताएंगे आप हमारी सपना मैम? सर, आज का जो क्वेश्चन है जी, वो है विनोद कुमार जी का जी। उन्होंने भेजा हुआ है, गुड मॉर्निंग सर, स्मूथनिंग एंड रिबॉन्डिंग में क्या अंतर है जी। ये है बिहार से, डिस्ट्रिक्ट कटिहार से, जिनका नाम है विनोद कुमार। ओके, तो विनोद जी कैसे हैं आप? और बिहार से अभी तो थोड़ा सा लगाव हो गया मेरा ज़्यादा, पहले क्योंकि मैं गया नहीं था बिहार में। अभी बिहार में मैं कुछ ही टाइम पहले सासाराम भी गया था, फिर उसके बाद में हम लोग मुजफ्फरनगर गए थे, शो किया था हम लोगों ने, और एक पटना में शो किया था। तो अभी उसके बाद में ओपनिंग पे एक दो बार अभी हुआ है कि हम लोग बिहार गए हैं। तो बिहार का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब देखा ही हुआ है ऑलमोस्ट मेरा। तो विनोद कुमार जी, क्वेश्चन का एक्चुअली आंसर हमारी ऑलरेडी एक वीडियो में है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं। तो क्वेश्चन आपका बेसिकली ये है कि रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में क्या फ़र्क है। मैं आपको और थोड़ा सा ज़्यादा एलेबरेट कर देता हूँ। हम लोग आपको बताते हैं रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग को स्मूथनिंग भी बोलते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। और आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए हो तो आप हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं आप उनको भी देख सकते हैं, तो उसमें आपको आइडिया और ज़्यादा मिलेगा। तो बेसिकली जो रिबॉन्डिंग होती है, रिबॉन्डिंग का प्रोसीजर बिल्कुल अलग है, जिसमें हम लोग आइनिंग 3 बार करते हैं। और आइनिंग 3 बार करने की वजह से उसका जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल आर्टिफिशियल हो जाता है, 100% स्ट्रेट। तो वो देखने के में पता लगता है कि हाँ, इन्होंने कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करवाया हुआ है। सो दैट इज़ कॉल्ड रिबॉन्डिंग, जो बिल्कुल पोकर स्ट्रेट लुक देता है। उसके बाद में आता है स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग का जो रिजल्ट रहता है वो रहता है 95% का, क्योंकि इसमें हम लोग 2 बार आइनिंग करते हैं। रिबॉन्डिंग में 3 बार करते हैं, इसमें हम 2 बार करते हैं। और इसका जो रिजल्ट आता है वो अराउंड 90-95% स्ट्रेट का आता है, विच लुक्स प्रिटी नेचुरल, अच्छा लगता है देखने में स्ट्रेटनिंग जो है। रिबॉन्डिंग में शाइन थोड़ी ज़्यादा आती है कंपेरेटिवली रिबॉन्डिंग के, स्ट्रेटनिंग में शाइन थोड़ी सी कम आती है। और अगर हम लोग बात करें रिलैक्सिंग की या स्मूथनिंग की, तो इसमें जो है आइनिंग एक ही बार आती है, वो भी बड़े बड़े सेक्शंस के साथ में, बहुत फाइन फाइन सेक्शंस के साथ में नहीं होती, जिसकी वजह से बालों के अंदर थोड़े से मूवमेंट्स रह जाते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल नज़र आता है, ऐसा लगता भी नहीं है कि देखा हुआ है। ज़्यादातर जो क्लाइंट्स पसंद करते हैं, अगर मैं आपको अपने मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं, तो ज़्यादातर लोग रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग ही पसंद करते हैं। कुछ ही लोग हैं जिनको उनके बालों में थोड़े से मूवमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उसको हम लोग रिलैक्सिंग या स्मूथनिंग बोलते हैं। तो है वो आपका इसका आंसर मिला होगा। और ज़्यादा डिटेल्स आपको चाहिए तो आप सेवेंजर्स स्ट्रेटनिंग वीडियोस करके डालेंगे तो आपको उसमें पूरी डिटेल्स इसकी मिलेंगी, तो आप उनको बिल्कुल देख सकते हैं और उसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो आई होप आपको आपके इस क्वेश्चन का जवाब मिला होगा। जाने से पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, इनके प्रोडक्ट सेम होते हैं जितने भी हैं, रिबॉन्डिंग हो, स्ट्रेटनिंग हो, खाली आपको ये देखना होता है कि कैसे बाल हैं, उसके हिसाब से जो कंपनीज़ ने 0, 1, 2 या माइल्ड और इंटेंस, इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे, आप वो वीडियोस देखेंगे तो उससे भी आइडिया होगा। प्रोडक्ट एक है, खाली आइनिंग का फ़र्क है। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। थैंक यू सो मच विनोद जी, इसी तरीके से क्वेश्चन करते रहें और मैं आप लोग को आंसर देता रहूं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपको अभी आंसर्स देने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और लव यू इंडिया, जय हिंद, जय भारत।